गाय के लिए तो गौ रक्षक, बेटियों के लिए कौन है, ये सुरक्षा मुहैया कौन बेटियों को कराएगा। तमाम वो लड़कियां हैं, तमाम वो पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जंतर मंतर पे पहुंची हैं, लाख कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, आपको लगता है कि किसी और कानून की भी जरूरत है? कानून बनाने से क्या होता है जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा, इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं होगा। आप कानून के साथ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डाल सकते हैं, डाल देते हैं जब ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात आती है। जुवेनाइल निर्भया केस का लड़का जुवेनाइल था, जेल में बैठा आराम से खाना खा रहा है, उसको हैंग क्यों नहीं कर दिया गया? रेप कर सकता है लेकिन हम उसको हैंग नहीं कर सकते, ये कैसी बात है इस देश के लॉ की? सिर्फ लॉ लाने से कुछ नहीं होगा, एक्शन प्लान। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मैं हूँ, क्योंकि मैंने सरकार बनाई है। मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है हम आम इंसान भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। हम जिन लोगों को भेजते हैं इसलिए भेजते हैं ना वो इस देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए, जब वो नहीं कर पा रहे तो हम भी जिम्मेदार है, वो तो बहुत बड़े जिम्मेदार है। 370 एक दिन में हट जाती है, नोटबंदी एक दिन में आ जाता है कि सारे पैसे गए, लेकिन जब किसी को हैंग कर दो, एक रात में कर दो ना इसको हैंग, एक ऐसा मैसेज जाएगा कि हर लड़का डरेगा और इस तरीके से उसको हैंग किया जाए कि हर लड़का डरे। क्या सजा होनी चाहिए? बिल्कुल, उसको लोगों के बीच में जिस तरीके से उस लड़की को जलाया गया था ना, उसी तरीके से जिस तरीके से उसकी माँ डिमांड कर रही है, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए उसके साथ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या सजा होनी चाहिए ऐसे बलात्कारियों के लिए? सर वही सजा होनी चाहिए जो उस लड़की के साथ जलाया गया है, जिंदा जलाया गया, उस लड़की के ऊपर बीती होगी, कैसे बीती होगी? आप जल के देखो एक बार, एक उंगली भी जलती है ना तो आफत आ जाती है ना, उस लड़की के ऊपर क्या होगा? वैसे ही जलाओ सर जैसे उसको जलाया गया है, फांसी से क्या होगा?